जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में जनपद के प्रधानाचार्यों की एनेक्सी भवन के सभागार में मतदाता जागरूकता शपथ ग्रहण एवं कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद के सभी प्रधानाचार्यों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद में 600 से ज्यादा इंटर कॉलेज हैं, जिसमें 3 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ाई करते हैं, जिसको देखते हुए सभी प्रधानाचार्यों को मतदाता जागरूकता व कोविड टीकाकरण की शपथ दिलाया गया। उन्होंने कहा, प्रधानाचार्यों के माध्यम से 15 साल से ऊपर सभी छात्रों व 18 साल से ऊपर के सभी छात्रों को मतदान के लिए प्रेरित करना है, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ सके। इसके साथ ही सभी प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है कि अपने विद्यालय में मतदाता जागरूकता व टीकाकरण के लिए कार्यशाला का आयोजन करें, जिससे कि सभी छात्र जागरूक होकर टीकाकरण कराएं और साथ ही अपने माता पिता का भी टीकाकरण व मतदान करने के लिए प्रेरित करें। इस तरह का सभी विद्यालयों में 1 मार्च तक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर CDO इंद्रजीत सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, BSA रामेंद्र सिंह, मुख्य प्रशिक्षक मनोज गुप्ता सहित जनपद के विद्यालयों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, हाई कोर्ट सत्ता हस्तांतरण है। मैं एक सुधार करना चाहूंगी। मैं क्षेत्रीय शिक्षा सहजन्मा गोरखपुर और क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित उच्च शिक्षा की स्वीप नोडल जिलाधिकारी महोदय, स्वीप नोडल अधिकारी मुख्य, और जब पहली बार हमने वेबिनार किया और सर हमारी उस वेबिनार से जुड़े और उन्होंने ये बात पहले ही बात बोल दी कि हमें सर का वह बात कि आज भी मेरे मन मस्तिष्क में ध्वनित होता है, या मिशन शक्ति का कार्यक्रम हो, हमने सभी शिक्षा जगत के तीनों स्तरों ने यह प्रयास किया है कि उस कागज को जमीन पर उतारा जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, प्रजातंत्र के चतुर्थ स्तंभ, पत्रकार बंधु, अन्य आहूत सम्मानित जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा के तीनों स्तरों से आए हुए प्राचार्य, प्राध्यापकगण, प्रजातंत्र के इस महापर्व में आप सभी का इस सभागार कक्ष में स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि बैनर से स्पष्ट है कि हम यहाँ मतदाता जागरूकता के लिए उपस्थित हुए हैं, और सर हम लोग अभी से नहीं 1 नवंबर से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, चाहे वह ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण का कार्यक्रम हो या छात्र छात्राओं को लेकर रैली निकालने का कार्यक्रम। हमें सभी और एक तीनों स्तरों पर सर हम लोगों ने एक कार्यक्रम को तैयार किया है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा एक बैठक ली गई हम सब तीनों स्तरों के नोडल अधिकारियों की, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम की कुछ सूचनाएं दी, जो हम लोगों ने तिथिवार विभाजित करके उस कार्यक्रम को किया है। क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय की सर परीक्षाएं चल रही हैं, थोड़ा अभी कार्यक्रम धीमा है, लेकिन जैसा कि मैडम ने अभी अपने उद्बोधन वक्तव्य में यह बात कही है कि मतदान प्रतिशत कम है, और मैंने 14 तारीख को भी अपने अभिभावक, जिला के अभिभावक, जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय को यह वचन दिया था आप सब की ओर से, यहाँ उपस्थित बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के जो भी प्राध्यापकगण हैं, प्राचार्यगण हैं, रोवर्स रेंजर्स प्रभारी हैं, NSS प्रभारी हैं, आप सब की ओर से मैंने जिलाधिकारी महोदय को यह वचन दिया है कि हम सब मिलकर मतदान प्रतिशत को 100% करेंगे। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की
गरिमा को अक्षुण अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एक व्यक्ति 10 व्यक्ति का दायित्व तो जरूर ले कि 10 व्यक्ति को हम जागरूक करेंगे तो निश्चित रूप में जो प्रतिशत कम हो रहा है जिसकी चिंता सभी को है, पर मैं अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ एकत्र हैं। मंचा से इन सभी अतिथियों का पुनः स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आधारित हूँ कि आज ऐसे अवसर पर कुछ कहने का अवसर दिया गया है क्योंकि हम उस पर्व की बात कर रहे हैं। सभी का ध्यान चाहूंगी, वर्ष में जो पर्व हर वर्ष आते हैं उनकी तैयारी हम पूरे वर्ष करते हैं, कुछ चूक रह जाती है तो तुरंत सोचते हैं कि अगले वर्ष और भी प्रभावी हो तो क्या क्या करना है, लेकिन ये उत्सव 5 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद आता है और हम पीछे रह जाते हैं। तो आइए हम संकल्पित हो इसलिए कि ये हमारे विकास के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है, तो हम सिर्फ मत का दान नहीं करेंगे अपितु अपने मत का समुचित सदुपयोग करेंगे और आसपास के सारे लोगों को जगाएंगे। मैं कलमकार भी हूँ, शिक्षिका होने के साथ साथ तो निसंदेह एक बड़ी जिम्मेदारी मेरी भी हो जाती है कलम उठाने की, तो कुछ कहना चाहती हूँ और मैं ऑनलाइन माध्यमों से भी, क्योंकि अब कलम उठाई है तो माँ शारदा ने ये शक्ति दी है तो इसका उपयोग तो होना ही चाहिए। आए दिन मैं परिचर्चा में समाचार पत्रों के द्वारा बुलाई जाती हूँ और फेसबुक के माध्यम से तरह तरह के आयोजनों में मैंने पढ़ा, लेकिन सर ने कल कहा तो मैंने सोचा कि बिल्कुल यहाँ तो ये कहना ही चाहिए क्योंकि इतना प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुआ है, तो शब्दों के माध्यम से ही कहती हूँ कि हमें क्या करना है। सागर लोग के उत्सव का है आह्वान जागो, लोग के उत्सव का है आह्वान जागो, नौ विहान के हेतु कर मतदान जागो, नौ विहान के हेतु कर मतदान जागो, लोग के उत्सव का है आह्वान जागो। और क्या क्या करना है, जगा लो कर्म पथ पर पग जरा अपने बढ़ा लो, सो रहे हाँ सो रहे ओ सो रहे जो जन उन्हें भी तुम जगा लो, कर्म पथ पर पग जरा अपने बढ़ा लो, आह्वान जागो। एक प्रमुख इतने वीर परंपराओं के जनपद में सिर्फ 56% लोग ने गत महापर्व में ये सामान्य चुनाव में वोटिंग किया, इसको हमें बहुत लंबी छलांग मारना है और अगर हमने ये जिम्मेदारी बच्चों में छात्राओं में एहसास करते हुए उनमें जज्बा भरते हुए उनसे अनुरोध करते हुए उनको प्रेरित कर दिया तो वो अपने घरों पे अपने अभिभावकों के साथ अपने मोहल्लों में जिद करेंगे, जागरूक करेंगे, प्रेरित करेंगे और बच्चों की बात को कोई अभिभावक कोई उनके चाहे उनके घर में वृद्ध नाना नानी हो दादा दादी हो या कोई और कोई परिवार वाला वो मना नहीं कर पाएंगे। मोहल्लों में एक माहौल बन जाएगा, एक दूसरे को पुश करने की बात होगी, अगर कहीं किसी घर में महिलाओं को वोटिंग करने के लिए नहीं जाना जा रहा है तो बच्चे उस कारनामे को करके दिखाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ये हो सकता है कि नहीं होगा, बच्चे ये कारनामे कर सकते कि नहीं, बस आपसे अनुरोध है कि बड़ी अच्छी चर्चा वाली कार्यशाला कराइए, बच्चों की उसमें बात करिएगा, खुला संवाद हो, आप
उनसे बात, बच्चों की प्रतिभाएं देखें, उनकी भावनाओं को सुने, देश के प्रति उनकी क्या आस्था है, क्या उनका रुझान है, अभी किस तरफ उनकी सोच जा रही है, अगर उनको गाइड करना है, मार्गदर्शन देना है तो करिएगा। एक अच्छी बैठक आप कराएंगे, उसके पश्चात वो जब घर जाएंगे, और ये नियमित होता रहे, निरंतर होता रहे, एक तारीख तक लगातार ये सिलसिला चलता रहे, तो और आपके माध्यम से आपके अन्य प्रधानाध्यापक ने उनको भी प्रेरित करिए, फिर ये जन अभियान बनेगा। जब 3 लाख से ज्यादा बच्चे जो हम आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, 600 ज्यादा हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग ये प्रेरित करने की बात कहेंगे तो जन आंदोलन बनने से कोई नहीं रुक पाएगा। फिर हम ये जो हमारा मकसद है कि हम इस नींव को बड़ा, नींव को और मजबूत बनाएं और अखंड बनाएं और एक बड़ी लंबी चलान मारे, उस परंपराओं में एक बहुत बड़ी वृद्धि लाएं। इतने साल आजादी के बाद 56% तक हम पहुंचे, क्या हम लोगों को 80% 90% से कम रहना चाहिए? अगर वाकई में जो मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़ा रहा था, कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे प्रिंसिपल्स की है। आपका आंतरिक मोटिवेशन, आपका जो प्रेरणा है, आपका जो लीडरशिप क्षमता से ही देश का निर्माण होता है। जॉन रस्किन ने कहा था, अगर स्कूल, अगर एक देश को अपने जेल बंद करने तो आपको स्कूल को सुधार करना पड़ेगा करके। तो सबसे पुल बन जाएंगे, सड़क बन जाएगी, बिजली आ जाएगी, सब आ जाएगी, लेकिन जो असली नागरिक देने वाला का काम है, असली सोच उनमें भरना है, अच्छी प्रतिभाएं लाना है, अच्छी शैक्षणिक गुणवत्ता उसमें भरना है, तो वो आपके नेतृत्व हो सकता। और इसको शुरुआत करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर आपके सामने है 3 मार्च को दरवाजे खटखटाने में, और हर एक अंतिम व्यक्ति जो अभी तक वोट करने नहीं गया है और जाने का रुझान नहीं रख रहा है, उस तक पहुंचकर उसको एहसास करा के उसमें उस दिन सभी जनपद के इंटर कॉलेजेस के जो प्रधानाध्यापक हैं, हमारे 600 से ज़्यादा इंटर कॉलेजेस हैं जिसमें 3 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे पढ़ते हैं, तो उन सभी में प्रधानाध्यापक को बुला के उनसे अनुरोध किया गया कि वो अपने यहाँ बच्चों का तो टीकाकरण करना है 15 से 17 साल के बीच में, और उनके माध्यम से जितने लोग अभी नहीं टीकाकरण हुए उनको प्रेरित करना है। दूसरा, आपने इंटर कॉलेजेस में कार्यशालाएँ कराएँ, ज़्यादातर में हमारी आरओ की टीम और अन्य अधिकारीगण अध्यक्षता भी करेंगे, और बच्चों के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक करेंगे कि वो मतदान अधिकार का प्रयोग करें, 3 तारीख को महापर्व में प्रतिभाग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग इस बार हो, यही हमारे मकसद है। और अच्छे प्रतिभा के साथ, अच्छी चर्चा के साथ इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे निरंतर प्रयास रहेगा कि अगले 1 तारीख तक हम लोगों को जागरूक करते रहें।